अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी पोटैटो की, आलू की। ये बटरफ्लाई है, ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आप भी इसको बना के ट्राई करके ज़रूर देखें। ये मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, इनको अच्छे से छील के रख धो के वॉश कर लिया था। अब मैं इन्हें कट करूँगी। ये बहुत ईजीली और बहुत कम सामान से देखिए मैंने बनाया है, सिर्फ आलू से। आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मैंने इस तरह से ये सारे आलू कट कर लिए हैं। कुछ मैंने बड़े पीसेस किए हैं, कुछ छोटे पीसेस किए हैं। इनका मैं आगे बताऊंगी आपको कि बड़े पीसेस और छोटे पीसेस क्यों किए हैं मैंने। ये मैं अच्छे से नमक के पानी में, थोड़े गुनगुने पानी में डाल के इन्हें धोऊंगी अच्छे से। ये मैंने अच्छे से खूब हाथों से मसल मसल के धोए हैं, आप इसी तरह से धोएं। अब मैं इन्हें एक छन्नी में छान लूँगी और थोड़ा सा इन्हें सूखने दूँगी, पानी इनका अच्छे से नीचे जाने दूँगी। इस तरह से मैं एक ट्रे ले लूँगी, उनमें ऐसे बड़े पीसेस लगाऊँगी आलू के, जो हमने बड़े आलू कट किए हैं। इस तरह से सारे वन बाय वन हम इसी तरह से लगाते चले जाएंगे। ये यूनिक सी रेसिपी आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। अब मैं एक कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से सुखा लूँगी, जो भी इनमें पानी होगा। अब मैं इन पे थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी, ऐसे हल्का हल्का सा। थोड़ा सा हम ऐसे ही नमक ऐड कर लेंगे जैसे हमने ये डाला है, क्योंकि इसमें अलग से नमक नहीं डाला है मैंने। इस तरह से मैंने सारा मैदा ऐड कर लिया, लगा दिया है इन पे। अब मैं इन पे छोटे पीसेस रखूँगी आलू के, और ये इस तरह से मैं इस तरह से एक टूथपिक लेके और इसको फोल्ड करके टूथपिक इसमें लगा दूँगी। ये देखिए, ये हमारा बटरफ्लाई बन के रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा भी इसी तरह से, सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। सब मैं इसी तरह से टूथपिक लगाती चली जाऊंगी मैं। ये देखिए, छोटा पोटैटो हम अंदर रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, मैंने तो दो ही रखे हैं और दो से ही इसकी खूबसूरती आई है। ये देखिए, मैंने सारे टूथपिक लगा के इस तरह से पोटैटो रख लिए हैं। अब मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। रिफाइंड लें आप, सरसों का ऑयल ना लें। सरसों के ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाता है बहुत जल्दी, और हमें ये हल्के से ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। इस तरह से हम इसमें वन बाय वन ऐड करेंगे, एक तरफ से सिकने देंगे हम इनको। अब हम दूसरी साइड सेकेंगे इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिए, रमज़ान में इसे बनाइए, टी टाइम में बनाइए। बहुत ही अच्छी स्नैक्स रेसिपी है। देखिए हल्का सा ब्राउन कलर आ गया, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पटेटो स्नैक्स रेसिपी, किड्स स्पेशल रेसिपी। मेहमान आने पर आप इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, क्रिस्पी एंड टेस्टी रेसिपी। चलिए इसको बनाते हैं। ये मैंने दो आलू लिए हैं उबले हुए, इनको मैं कद्दूकस से कस लूँगी। ये मैंने कस लिए हैं। ये बहुत जल्दी बन के ये रेसिपी तैयार हो जाती है, आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मैंने दो आलू ग्राइंड कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें चॉप ऑनियन ऐड करूँगी। ये मैंने एक बड़े साइज़ का ऑनियन लिया था। हरा धनिया ऐड कर दूँगी इसमें। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हम ये किड्स के लिए बना रहे हैं तो बच्चे मिर्च नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी हाफ स्पून, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी इसमें। चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। इसमें मैं 1.5 स्पून बड़ा वाला मैदा ऐड करूँगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट बन के तैयार हो जाती है। इसको मैं एक डो की तरह रेडी कर लूँगी, सबको मिक्स करूँगी। अब इसको एक डो की तरह रेडी कर लूँगी। ये मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको इस पे रोटी की तरह बेलूँगी हाथों की मदद से, ऐसे इसको इसको ऐसी शेप दूँगी। फिर इसको मैं रोटी की तरह बेल लूँगी, थोड़ा मोटा मोटा सूखा आटा लगा के आप इसको बेल सकते हैं। मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो हमारे स्नैक्स पतले हो जाएंगे। ये मैंने इसको पतला बेल लिया है। ये कटर की मदद से मैं इसको ये शेप कट करूँगी। मैंने कट कर लिया है। देखिए कितनी आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है, बिल्कुल इजी तरीके से बनके ये तैयार हो जाती है। मैंने सारे कट कर लिए हैं, अब मैंने इसको उठा लूँगी। ये मैंने ऑयल गरम करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा तेज़ हो गया है ऑयल। आप गैस को स्लो ही रखें, एक एक करके इस पर डालते जाएं, बहुत ध्यान से ताकि हाथ ना जल जाए। मैंने एक एक करके सब इसमें डाल दिए हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, एकदम बन के तैयार हो जाती है। आप इसको नाश्ते में, बच्चों के स्नैक्स में, लंच में, मेहमान आने पर फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।